लोगों की ये शिकायत होती है गाइस क्योंकि धोते वक्त है ना पानी अंदर की तरफ घुस जाता है, उसका होता है ना ये बीट्स डेफिनेटली द हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैंपस फर्स्ट। आप ये सोच रहे हो कोलंबस का वीडियो कैंपस फर्स्ट का नाम क्लियर है, मेरे हिसाब से वो एक शूज आज है ना गाइस कि बहुत ही ज्यादा लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। आज गाइस जो अनबॉक्स रिव्यू करूंगा गाइस जो कोलंबस ब्रांड का शूज है, इसका आर्टिकल नंबर है लिवरपूल, एमआरपी 1799 की है। इस शूज को बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो एज इट इज कैंपस फर्स्ट का जो है ना वो सेम ही है, ठीक है। कैंपस फर्स्ट शूज के जो रिव्यूज आए ना मुझे लोगों से गाइस, तो मैं डेफिनेटली आपको इस वीडियो के एंड में डेफिनेटली वो भी शेयर करूंगा, ठीक है। बिकॉज मेरे और सब्सक्राइबर का कनेक्शन बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो चुका है, ठीक है। वो मेरे को इमीडिएटली इंस्टा पे आकर मुझे कोई भी चीज पूछ लेते हैं। तो आओ गाइस इसको अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या ये शूज अपने को कैंपस फर्स्ट को टक्कर देता है कि नहीं। अब देखो भाई कोलंबस से कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है मेकिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एटलीस्ट इनका प्रोडक्ट ऑफलाइन मार्केट में तो काफी अच्छा चलता है। अब गाइस हर कंपनी का अपना अपना सेगमेंट होता है, देखो एक कोई कंपनी होती है जो ऑनलाइन ही ज्यादा ध्यान देती है, एक कोई कंपनी होती है वो ऑफलाइन मार्केट में ज्यादा ध्यान देती है, ठीक है। इन दिस केस कोलंबस ना गाइस इनका ऑफलाइन मार्केट में ध्यान है, ऑनलाइन में गाइस इनकी इतनी अच्छी प्रेजेंस नहीं है, बट दे डू मेक क्वालिटी प्रोडक्ट। एंड इन केस ऑफ कैंपस ना गाइस उनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में बहुत ही अच्छी प्रेजेंस है, जिसकी वजह से वो ऑफलाइन भी काफी तो चलता है और ऑनलाइन भी चलता है। तो आओ गाइस क्विकली अनबॉक्स दिस। तो गाइस ये है वो शूज लिवरपूल बाय कोलंबस ब्रांड। सबसे पहले आप इसका लुक देखो फिर आगे बात करेंगे। क्विकली ब्रांडिंग चेक करेंगे गाइस, टांग पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी कोलंबस शूज के अलावा, साइड में इस तरफ और इस तरफ यहाँ पे कोलंबस की ब्रांडिंग है। उसके अलावा आप ये नीचे जो सोल के यहाँ पे देख रहे हो ना ये टीपीयू का पोर्शन, उस पर भी कोलंबस लिखा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर गो जंप और इनसोल पे इनकी ब्रांडिंग मिल जाएगी कोलंबस। नेक्स्ट गाइस यू कैन चेक आउट ये जितना भी ये आईलेट्स की तरफ, ये टंग की तरफ और ये साइड में जो भी है ना सारा टीपीयू का पोर्शन यूज कर रहे हैं, जो कि आपको अन्य रिव्यू वीडियो में नहीं बताया जाएगा। और थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथन के बारे में और जाना तो गाइस आप डेफिनेटली गूगल करो, ठीक है। टंग कुशनिंग की बात करूं गाइस इस शूज की ना, तो टंग कुशनिंग काफी ठीक है, ठीक है। चलो कॉलर कुशनिंग की बात करूं गाइस तो कॉलर कुशनिंग भी काफी ओके है। इसके अलावा इनसोल की बात करूं गाइस तो इसमें आपको मेमोरी फोम इनसोल मिल जाती है गाइस, और मेरे ख्याल से जो कैंपस फर्स्ट वाला जो आर्टिकल है उसमें आपको योगा मैक्स इनसोल है, इस तरीके की इनसोल मिलती है, ठीक है। तो वो केस में ये जीतता है भाई, देखो इनसोल के केस में इसमें मेमोरी फोम कुशन अपने को मिल रही है। अदरवाइज बात करूं गाइस अपने फ्लाई नाइट मैश अपर मिल जाता है भाई, और यही अपर बेसिकली आजकल चल रहे हैं बहुत ही जोरों शोरों से, बिकॉज ये अपर क्या जल्दी खराब भी नहीं होते और कहीं पे ठोकरे वोकरे भी लगते हैं ना गाइस, तो बहुत इजीली इसमें स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते, आप समझ रहे हो। मतलब पहले के जो पीयू लेदर या रेक्सिन वगैरह के कैसे होते हैं, थोड़े से कहीं पे ठोकर वोकर लग जाते हैं गाइस तो इमीडिएटली फट जाते थे, उसमें क्रेजेस और क्रैक वगैरह देखने बहुत इजीली ऑब्जर्व होता है। बट ऑल थैंक्स टू दिस मैश अपर इसमें अपने को देखने नहीं मिलता, और अपर की जो डिजाइनिंग वगैरह ना गाइस वो काफी ज्यादा अच्छी है। मतलब वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं गाइस तो डेफिनेटली बात है इसमें अगर विदाउट सॉक्स अगर पैर में डालोगे ना गाइस तो आपको पैरों में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, अगर आप मोटा सॉक्स पहनते तो पैर गर्मी लगेगी ही ना। एक्चुअली गाइस आपने दूसरे वीडियो में डेफिनेटली सुना होगा, पता है क्या सुना होगा, कि अपर इज मेड अप ऑफ मैश मटेरियल मैश मटेरियल मैश मटेरियल एंड दे विल ऑल्सो टेल यू दैट यू गेट वेंटिलेशन वेरी गुड ओवर दैट। तो बेसिकली होता क्या है, ये होता है एक होता है रेक्सिन वगैरह प्यू लेदर वगैरह ये सब टाइप का अपर होता है, ठीक है। उसमें कैसा होता है ये पूरा पैक हो जाता है यार अपर, उसके वजह से डेफिनेटली बात है आपको पसीना वसीना आता है, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन मैश के केस में क्या होता है ना गाइस कि इसमें देखो पूरा तो कहीं पैक तो है ही नहीं ना, आप समझ रहे हो, इसमें जाली 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 दिया हुआ, लेकिन इसमें कैसा होता है ना पीछे की तरफ लाइनिंग वगैरह भी देते हैं। मतलब ये जब आप देख रहे हो ना हाथ डालूंगा ना पीछे की तरफ, तो ये अपर जो मैश लेयर होता है उसके नीचे एक लाइनिंग की एक और लेयर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है पैर वगैरह भी डालते हो ना तो आपको इरिटेट फील नहीं होता अपर से, मतलब आपका पैर जब वो अपर पे भी लगता है ना तो आपको एक कंफर्ट ही लगता है। एंड बिकॉज ऑफ द लाइनिंग एंड ऑल ना गाइस तो थोड़ा सा मतलब वो जितना मैश में ब्रीदेबिलिटी होना चाहिए ना वो थोड़ी सी लाइनिंग के वजह से कम तो होती है डेफिनेटली, लेकिन जो सिंथेटिक और प्यू लेदर में जो बिल्कुल नहीं मिलता ना वो एटलीस्ट इसमें थोड़ा तो अपने को वेंटिलेशन मिलता है यार। चलो गाइस इस शूज पे अगर मिडसोल की बात करूं गाइस तो मिडसोल तो ठीक है, ठीक है, जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो भाई रिबाउंस भी काफी अच्छी है, जब पैर में डाल के भी इसको फील करेंगे ना गाइस तो अपने को एक बाउंसीनेस डेफिनेटली इसमें फील होगा। इसके अलावा गाइस आउटसोल की बात करते हैं, चेकआउट है जो ऊपर और पीछे की तरफ यहाँ पे अपने को टीपीआर की लेयर मिलती है, ठीक है, और ये सेम लेयर अपने को कैंपस फर्स्ट वाले शूज में भी है। मतलब मैंने कैंपस फर्स्ट वाली वीडियो तो काफी पहले डाली थी, ठीक है। अब डेफिनेटली बात है तो व्यूज भी काफी ज्यादा है गाइस, तो मैं अब तक तो लोगों की नजरों में आ चुका रहूंगा, तो उसमें मतलब काफी लोग ये क्लेम करते हैं ना गाइस कि ये जो पीछे का आप जो टीपीयू लेयर जो देख रहे हो ट्रांसपेरेंट वाला, जहां से अपने को बहुत ही इजीली अंदर की बॉल्स वगैरह जो दिखती है, लोगों की ये शिकायत होती है गाइस क्योंकि धोते वक्त है ना पानी अंदर की तरफ घुस जाता है, अब वो पानी घुस जाता है तो उसका मतलब क्या वो शूज खराब हो गए, तो ऐसा नहीं है भाई। वो पानी घुस गया तो क्या हुआ भाई, जैसे वो अंदर घुसा वैसे वो निकल भी जाएगा, अगर वो नहीं भी निकल रहा गाइस तो आप थोड़ा टाइम तो उसको एयर ड्राई के लिए रखोगे ना गाइस तो अपना भी इवेपोरेट हो जाएगा यार, आप इतना टेंशन क्यों लेते हो उस चीज के लिए। अब गाइस देखो होता क्या, ओवर द यूज क्या होता है ना ये बीट्स डेफिनेटली दबते हैं, ठीक है, और ये दबते तो क्या होता है डेफिनेटली बात है वो
छोटे छोटे हो जाते हैं और एक टाइम पे ऐसा लगता है, अभी तो जैसे कि नया नया जब लगता है तो ऐसा लगता है कि पूरा भरा हुआ है यार, हर जगह से मुझे बेड्स दिख रहे हैं। लेकिन ओवर द यूज क्या होगा ना, ये एकदम धीरे धीरे कम होते बेड्स, कम होते मतलब वो अंदर ही रहते हैं लेकिन वो थोड़े से कंप्रेस हो जाते तो और छोटे हो जाते और इस तरीके से थोड़ा खाली खाली स्पेस दिखता है। अब ये देख के भी लोग काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं भाई, उनको लगता है कि भाई हमने 1700 रुपए का या 1500 रुपए का जूता लिया है लेकिन ये पीछे की तरफ तो यार ये तो अपना धीरे धीरे खाली हो रहा है। और नॉर्मल साइकोलॉजी यार, खाली होते हुए कोई दिखना नहीं चाहता, सबको भरा हुआ ही चाहिए। इन दैट केस मैं डेफिनेटली बोलूंगा भाई ये एक कमी है। देखो ये इंडियन ब्रांड्स ने भले ये कॉन्सेप्ट्स के ये सोल्स वगैरह ला है लेकिन ये एक डेफिनेटली कमी है, और थोड़ा मटेरियल में इम्प्रूव करके उनको ये बीट्स वगैरह लानी चाहिए। बिकॉज डेफिनेटली बात है, जब एक मिडिल क्लास बंदा यार 1500 रुपए के जूते खरीदता है ना भाई, तो उसकी एक्सपेक्टेशन एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। नेक्स्ट फिनिशिंग की बात करूं गाइस, तुम्हें चेकआउट है गाइस, फिनिशिंग यहाँ पे हल्की सी अपने को वो लगती है आउट जाते हुए, बिकॉज इंडियन ब्रांड्स है ना, फिनिशिंग थोड़ी सी बहुत अपने को दिख ही जाती है, ठीक है, क्वालिटी की भी अफेक्ट नहीं होती गाइस, बट सिर्फ वो दिखने में थोड़ा लगता है। अब गाइस देखो, मेरे फुटवेयर रिव्यू देखने के बाद ना काफी लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, बिकॉज उनको लगता है ना भाई ये बंदा फुटवेयर का ये और फुटवेयर के रिव्यूज दे रहा है तो कुछ पता होगा तभी ये दे रहा है, और वो रिव्यू देख के काफी लोग खरीदते भी है गाइस, और मुझे भी काफी अच्छा लगता है यार जब वो प्रोडक्ट उनको अच्छे तरीके से रिसीव होता है और वो प्रोडक्ट काफी अच्छा चलता है तो। बट इन केस ऑफ कैंपस फर्स्ट शूज गाइस, मेरे को काफी ज्यादा लोगों के रिस्पांस आए हुए, ठीक है। अब वो रिस्पांसेस कुछ ऐसे ना गाइस, तो मैंने उसमें से ये कंक्लूजन निकाला ना गाइस, मैं ये शूज के लिए भी वो डेफिनेटली एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये शूज या कैंपस फर्स्ट शूज किसको लेने चाहिए पता है क्या, जिसका यूसेज लाइट यूसेज है। अगर आप ये सोच रहे हो भाई कि ये ऐसे शूज लेके मैं रोज 5-10 किलोमीटर दौड़ने वाला भाई, तो नहीं यार, फिर डेफिनेटली आपको भी वो सिचुएशन फील होगी कि भाई बीट्स गायब हो गए। ये शूज रिकमेंडेशन पे उसी को जाएगा भाई जिसका लाइट यूसेज है, जिसको ये लुक पसंद है, उसको लगता है हाँ भाई चलो कहीं पे भी एक शॉर्ट ट्रिप के लिए गए, मैंने एक बार पहना वापस लाके रख दिया, बहुत ही ज्यादा लाइट रनर है, कभी हफ्ते में एक आध दिन मुड़ के भागने का तो ले पहन के भागे। डेफिनेटली मैं ये या फिर वो कैंपस वर्स शूज में रिकमेंड नहीं करता भाई, कि अगर आप बहुत ज्यादा हार्डकोर रनर है, एकदम जिम विम में वेट बहुत ज्यादा लिफ्टिंग करते हो, इस तरीके से करते हो ना भाई, तो ऐसे शूज लेने से अच्छा इसमें काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन अपने पास है, ठीक है। बट अगर आपको लुक पसंद है और आपको लाइट रनर है, आपका लाइट यूसेज या परफेक्टली वेट हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं गाइस। कोलंबस की यही बात करूंगा गाइस कि अब तक अपने कोई भी शूज का नहीं मंगाया रिव्यू करने के लिए गाइस, लेकिन आप मानो मेरी बात, मतलब ठीक है यार कैंपस फर्स्ट के टक्कर का प्रोडक्ट है, ठीक है, पॉइंट्स डेफिनेटली कंसीडर करना बिफोर बाइंग दिस। विद दिस गाइस, डू शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड जो कि प्लान आउट कर रहे स्पोर्ट्स शूज खरीदने के लिए और उसका बजट 1500 रुपए के आसपास है, उसको कैंपस फर्स्ट शूज की डिजाइन काफी ज्यादा पसंद है, तो बोलना कोलंबस का ये शूज भी एक बार देख लेना और कोई भी ले लेना। ये शूज गाइस पर्सनली पहन के भी जब मैंने फील लिया ना भाई, तो डेफिनेटली बात है मेमोरी फॉर्म है, तो डेफिनेटली वो एक बाउंसीनेस अपने को फील होती है, कंफर्ट फील होता है। उसके अलावा ये जो पीछे का जो ये सोल है ना टीपीयू वाला गाइस, उसमें भी अपने को एक बाउंसीनेस फील होती है। तो ऐसे शूज पहन के कैजुअली अगर आपको पहन के कहीं पे घूमने फिरने निकलना, तो ये उसके लिए भी ये लुक के हिसाब से काफी सही लगता है। विद दिस गाइस कंसीडर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू।